दिल्ली में दिवाली की रात कई जगह हवा में जहर घुल गया और प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में कई जगह तो प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए, जिससे हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। दिल्ली में एक UI यानी हवा में प्रदूषण का स्तर दिवाली वाले दिन 327 के स्तर पर पहुंच गया, जो कि बहुत खराब है। दिल्ली के मालवे नगर, लाजपत नगर, जंगपुरा, शहादरा, द्वारका, हरिनगर और सरिता विहार समेत कई इलाकों में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रात 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर 382 पर पहुंच गया, जबकि नोएडा में ये 344 रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए देर रात तक पटाखे जलाए गए, जिसका असर दिल्ली की हवा में नजर आ रहा है, जहां हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लखनऊ के कई दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग ठाकुरगंज इलाके में सबसे पहले फर्नीचर की एक गोदाम में लगी, जिसने वहां की कुछ और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैलती जा रही थी, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। दुकान की खिड़कियों और रोशनदानों से आग की लपटें निकलने लगी। इसकी खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन भीषण आग होने की वजह से उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग में जलकर कई दुकानें राख हो गयी। गनीमत ये रही कि उन दुकानों में मौजूद लोग वक्त रहते बाहर निकल आए थे, जिससे कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन आग से लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका था। अमेरिका की सेना ने आतंक का दूसरा नाम बन चुके ISIS सरगना अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की है। बगदादी को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सीरिया में मार गिराया है। इस दौरान बगदादी के साथ उसके 3 बच्चे भी मारे गए। बगदादी के मारे जाने की जानकारी देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जब सेना के जवानों ने हमला किया तो बगदादी एक सुरंग में छिपा हुआ था। अपनी मौत देखकर बगदादी कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाने लगा। जब अमेरिका की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने खुद को बम से उड़ा लिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना के इस अभियान में 8 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि अमेरिका का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. No personnel were lost in the operation, while a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way.